हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पहुंच गए हैं अपने सेकंड चैप्टर के आखिरी वीडियो पर। कुछ लोगों को बहुत खुशी मिल रही होगी क्योंकि बहुत दिन से इस चैप्टर की जो पूरी सीरीज था उसका इंतजार कर रहे थे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि क्या बात है। GDP बढ़ाने की बहुत सारे पॉलिटिशियंस बात करते हैं, है ना। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बोला कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाना है, ठीक। और इससे एक आइडिया लोगों को लगता है कि अगर किसी देश की GDP ज्यादा है तो उस देश में लोगों का जीवन जो है वो आम स्तर पर बेहतर होगा, ठीक, ऐसा मान लेते हैं। तो ये मानना सही है या नहीं है, ठीक, इसकी बात करेंगे। तो पहले तो ये समझ लो कि GDP को आप ऐसे मान लो कि एक केक बना रखा है। क्या बना रखा है? केक बना रखा है। GDP बड़ा करने का मतलब आप समझ लो कि इस केक को और बड़ा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बड़ा कर दिया जाए। तो अब बड़ा केक अगर हो जाएगा तो सारे लोगों को हम ज्यादा केक बांट सकते हैं, बांट देंगे, ये जरूरी नहीं है, है ना। मान लीजिए कि केक तो बड़ा हुआ लेकिन पहले तो फिर भी बराबर बराबर बांटा जा रहा था लोगों में। घर में माता जी थी जो सारे लोगों को अच्छे से बांटा करती थी, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी कुछ ऐसा सिस्टम हो गया कि केक बड़ा तो हुआ है लेकिन बड़े केक का बहुत छोटा सा हिस्सा बहुत सारे लोगों में बांटा जा रहा है, बाकी बहुत बड़ा हिस्सा कुछ दो चार लोग हैं वही लोग खा ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को केक बड़ा होने के बाद भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि देखो GDP तो बढ़ गई भाई, लेकिन GDP जो बढ़ रही है उसका वितरण कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वितरण ठीक नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि GDP बढ़ा दो आप। अरे भाई, अपने देश में ही गरीबी और अमीरी में बहुत अंतर हो जाए। बहुत ही कम लोग हैं चंद भर मुट्ठी के जिनके पास बहुत पैसा हो, बाकी सारे लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं हो। और पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, GDP बढ़ गई लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई GDP बहुत ही कम लोगों के बीच में वितरित हो गई, तो क्या हो जाता है? वेलफेयर नहीं बढ़ता। एक तो ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग आंख बंद करके ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी देश में GDP जो है वो सीधे तौर पर आप उसको लोगों के वेलफेयर, लोगों के कल्याण से लिंक कर सकते हो। दूसरी चीज, हमारे देश में बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को खिलाने वाले लोग बहुत सारे लोग, अब तो खैर हमारे यहाँ भी न्यूक्लियर फैमिलीज जो है ना, एकल परिवार, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पहले क्या होता था कि दादाजी खिला रहे हैं, दादा या बाबा कुछ भी बोल लो, दादी खिला रही है, फिर बच्चे की बुआ भी आ जाती है, फिर आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बच्चा हंसता खेलता रहता है, रोता भी है तो भी बहुत ध्यान रखने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे को एक काफी ज्यादा लाइवली इन्वायरमेंट देते हैं जिसकी वजह से वो काफी सिक्योर फील करता है। गांव वगैरह में तो ऐसा होता है कि बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे गांव में तो ऐसा होता था पहले, कि बच्चा कहाँ है पता ही नहीं है और माँ बाप भी को टेंशन नहीं है क्योंकि उनको पता है कि किसी ना किसी के यहाँ खेल रहा होगा, कोई ना कोई ध्यान रखे होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टेंशन नहीं रहती, लेकिन इतने सारे लोग बच्चे को खिला रहे हैं। अब जब बच्चे को खिलाया जा रहा है ना, तो बच्चे को खिलाने में कोई पैसे तो ले नहीं रहा, ना कोई पड़ोसी पैसा ले रहा है, ना बाबा पैसा ले रहा है ना। तो इसको हम लोग GDP में काउंट ही नहीं करते हैं, हम लोग बोलते नहीं कि GDP बढ़ गई, जबकि बच्चा तो खुश है। इसकी जगह अमेरिका जैसे देशों में क्या हो रहा है, क्रेश फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। आपने क्या किया, माँ बाप दोनों ही काम कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन माँ भी काम करना है, पिताजी को भी काम करना है, तो बच्चे को किसी और के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, या फिर बेबी सिटर बोलते हैं, ठीक है, बच्चे को देखभाल करने के लिए किसी को नौकरी दे दी। अब बेबी सिटर को आप पैसे दे रहे हो, क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो बेबी सिटर तो अकेला है या अकेली है, नॉर्मली लड़कियां ये काम करती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब जो बेबी सिटिंग का काम कर रही है उसको सैलरी मिल रही है, तो उसकी सैलरी को हम लोग GDP में जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां तो सैलरी मिल रही है। GDP बनती ही ऐसी चीज से है जिसमें हम लोग पैसे को जोड़ करके देख पा रहे हो। तो भले ही हमारे यहां पर कल्याण ज्यादा अच्छा हो, वहां पर बेबी सिटिंग मान लो करने वाली कोई अच्छी नहीं है, तो बच्चा परेशान भी है कि ये लोग कैसे आ गए। एक मूवी थी होम अलोन टाइप की, उसमें एग्जैक्टली वैसा सही नहीं था, लेकिन मान लीजिए कि कोई बेबी सिटिंग करने वाला इंसान हो, वो बच्चे को अकेले में परेशान करता हो, ऐसा भी देखा गया है, ठीक है, कि कुछ कुछ लोग इतने मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं कि वो बच्चों को भी परेशान करते हैं अकेले में। तो ऐसे लोग भी अगर मान लीजिए बेबी सिटिंग करने वाले मिल गया, पेरेंट्स को तो पता चल नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि वहां तो GDP भले ही आपको बढ़ी हुई दिखे,
क्यों? क्योंकि आप सैलरी दे रहे हो, निश्चित रूप से बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन वहां पर फायदा तो है नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही उल्टा भी होता है। हमारे देश में जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं वो लोग परिवार के साथ रहते हैं, कई लोग, कुछ लोग हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता है कि उनको परिवार से साथ में नहीं रखते, लेकिन बुजुर्गों का परिवार के साथ रहना, बच्चों से बात करना, बाकी लोगों से घुल मिल करके रहना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। और यूएसए जैसी कंट्रीज में, अमेरिका जैसी कंट्रीज में क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ रहते नहीं है, 18-19 साल के बाद से बच्चे अलग रहना स्टार्ट कर जाते हैं, तो बुढ़ापे में ओल्ड एज होम्स में चले जाते हैं, वहां पे उनकी देखभाल होती है, बुजुर्ग लोग साथ में मिलते हैं, लेकिन उस तरह की जो इमोशनल फुलफिलमेंट होता है वो कई बार नहीं हो पा रहा होता है। तो ऐसे में ओल्ड एज होम्स में वो जा रहे हैं, तो ओल्ड एज होम्स में फ्री में तो रखता नहीं कोई, तो वहां पर ओल्ड एज होम्स में वो पैसे देते हैं, तो वहां पर भी उनकी जीडीपी बढ़ गई। लेकिन हो सकता है कई बार उनको उस तरह का सुकून नहीं मिलता जिस तरह का सुकून भारत में, जो संयुक्त परिवार में या बड़े परिवार में माँ बाप अपने बच्चों के, अपने नाती पोतों के साथ रह रहे हैं, उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, जीडीपी आपकी नहीं बढ़ी लेकिन कल्याण बढ़ गया। ठीक, आ रही बात समझ में? हमारे घर में मम्मी काम कर रही हैं, उनको सैलरी तो मिल नहीं रही। अब माँ काम कर रही हैं, वो ज्यादा अच्छे से आपको भोजन खिला रही हैं, ज्यादा अच्छे से खाना बना रही हैं, ज्यादा प्यार से बना रही हैं, ज्यादा ध्यान रखते हुए बना रही हैं, उनको सैलरी तो दी नहीं जा रही, तो उनके काम को भी हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर वो काम करना बंद कर दें, दो दिन में सबकी हालत खराब हो जाती है ना? तो होता क्या है कि कल्याण तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके काम करने से, लेकिन जीडीपी में हम देख ही नहीं पा रहे। तो जीडीपी बहुत अधूरा है, ऐसा नहीं है। आमतौर पर केक बड़ा होगा तो सारे लोगों को बेनिफिट होगा, ये सोचा जा सकता है। अब केक है ही नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा, तो जीडीपी बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन जीडीपी के साथ साथ हमें इन सारी चीजों को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ही सारी बात हम लोग अपने इस वीडियो में करेंगे, एक एक करके देखते हैं। जनरल जो एक ओवरव्यू था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अब देखते हैं कि क्या क्या चीज आती है। पहला यही प्रश्न उठता है कि क्या किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को, किसी देश की जीडीपी को उस देश के लोगों के कल्याण के सूचकांक के रूप में लिया जा सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी देश की जीडीपी ज्यादा है तो आम तौर पर वहां पर लोगों का जीवन ज्यादा कल्याणमय है, लोगों का जीवन ज्यादा अच्छा है? ठीक है, इसी को इंग्लिश में ऐसे बोल देंगे, कैन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री बी टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री? क्या ऐसा किया जा सकता है? तो देखिए, पहली बात तो आती है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, उसका वितरण लोगों के बीच ही हो जाता है। किसी भी देश की जीडीपी है, लोगों में तो बांटी जा रही है, जिसमें हम लोग रिटेन अर्निंग्स को छोड़ देते हैं कभी कभी, बाकी लगभग लगभग हम लोगों ने देखा भी है कि अभी आप आगे जाओगे चैप्टर में तो आपको मैं बता दूंगा कि जीडीपी और नेशनल इनकम में थोड़ा अंतर तो होता ही है, हम लोगों ने इस चैप्टर में देख ही लिया है, लेकिन हम उसको कई बार बराबर भी लेकर के काम करेंगे जब हम लोग इनकम डिटरमिनेशन की बात करेंगे फोर्थ चैप्टर में। लेकिन आप समझ लीजिए कि फिर भी काफी हद तक सिमिलर होता है। तो अगर जीडीपी बढ़ गई, इसका मतलब लोगों की इनकम बढ़ गई, और इनकम बढ़ने का मतलब क्या होता है? इनकम बढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है, उसकी इनकम बढ़ गई, तो वो ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। ठीक है, आपको कहीं जाना है, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप ट्रेन का टिकट ले पाओ, आप पैदल जा रहे हो। लॉकडाउन के समय पर हमारे देश में बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स थे बेचारे, उनको सामान भी नहीं मिल रहा था, गाड़ियां भी नहीं मिल रही थी, बसेस भी नहीं चल रही थी, तो पैदल जा रहे थे, है ना? तो पैरों में छाले पड़ गए, इस तरह की चीजें भी हुई। कोई लड़की बेचारी साइकिल चला करके पता नहीं बिहार पहुंच गई थी दिल्ली से, तो इस तरह की चीजें हुई है, है ना? अब अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको इस तरह की कठिनाई नहीं देखनी पड़ेगी। गांधी जी ने भी बोला है कि गरीबी जो है ना वो सबसे ज्यादा बुरा रूप है, हिंसा का बुरा स्वरूप है। तो हिंसा का बहुत प्रॉब्लम होती है गरीबी, मतलब सौभाग्यवश मैंने उस लेवल की गरीबी नहीं देखी व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन दूसरे लोगों के कठिन अनुभवों को देखकर के भी बहुत कष्ट हुआ है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि अगर कोई अच्छे से सेवाओं और वस्तुओं का को खरीद पा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके भौतिक कल्याण में सुधार हो सकता है। ठीक है, ऐसा हमको लगता है। तो इस हिसाब से अगर हम ये माने कि लोगों की सैलरी बढ़ गई है तो उनके आय स्तर को उनके कल्याण स्तर के रूप में देखा जा सकता है। एक फैमिली है जिसको 5-6 रुपए कमा पा रही है, दूसरी फैमिली जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रही है, तो हमें लगता है कि 1 लाख वाले लोग ज्यादा खुश हैं, माना जा सकता है, कम से कम भौतिक जगत में तो खुश ही हैं, ऐसा माना जा सकता है। और इनकम कहां से बढ़ रही है, जब जीडीपी देश की बढ़ रही है, तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये बोलना गलत नहीं है। लेकिन क्यों गलत है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। अच्छा, अतः हम किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के उच्चतर स्तर को, अगर आपका जीडीपी बढ़ गया है, उस देश के लोगों के उच्च कल्याण के सूचकांक से जोड़कर देखना शुरू कर सकते हैं। जीडीपी बढ़ जाए, मोदी जी बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर करनी है इकोनॉमी, अच्छी बात है। ठीक, लेकिन
जो हम लोगों ने स्टार्टिंग बात की थी उन सारी चीजों को हमें छोड़ना नहीं है, है ना। लेकिन कम से कम तीन ऐसे कारण यहाँ पे हम लोग गिना रहे हैं, बहुत सारे कारण है, ब्लैक इकोनॉमी होती है, बहुत सारे कारण आएंगे। जीडीपी में कितने फ्लॉज हैं आपको 10-12 तो बहुत अच्छे से बता सकता हूं, लेकिन यहाँ पे अपनी किताब में तीन दे रखे, तो उनको तीन की बात कर लेते हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि ऐसा मानना पूरी तरह सही नहीं है। ये गलत तो नहीं है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? पहली बात क्या है, सकल घरेलू उत्पाद का वितरण कैसे हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई आपने पहले 100 रुपए थे, आपने 10 लोग थे तो सबको 10-10 रुपए बांट दिए, फिर क्या किया आपने जीडीपी बढ़ा दी 500 कर दिया, 9 लोगों को आपने 5-5 रुपए दे दिए 45 रुपए और एक ही इंसान को आपने दे दिया कितना 455 रुपए, तो 455 वाला तो बहुत खुश हो गया, लेकिन बाकी के 9 लोग तो एकदम परेशान हो गए कि उनको पहले 10 मिला तब तो 5 रुपए मिला, तो वो लोग क्या कर देंगे, वर्ग संघर्ष कर देंगे। यहां पर जीडीपी तो बढ़ गई है 5 गुना लेकिन कल्याण नहीं बढ़ा, तो वितरण कैसा हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हम लोग जीनी कोफिशिएंट या गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं, आप लोग आगे जाओगे तो बात करोगे, हमारे एक देश के बहुत महान अर्थशास्त्री हुए हैं, अभी भी हैं, अमर सेन जी, उनका भी काफी कोफिशिएंट था इसमें, काफी कॉन्ट्रीब्यूशन था जीनी कोफिशिएंट के बारे में, कभी आपको आगे हायर एजुकेशन में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अच्छा, फिर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, वही चीज है कि वितरण कैसे हो, केक बड़ा हो गया अच्छी बात है लेकिन उसको बांटा नहीं सही से तो दिक्कत और हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है आपको ये लगता है कि अगर आपका पड़ोसी बहुत तेजी से या सारे लोगों के पास बहुत तेजी से पैसा बढ़ने लगे, आपके पास बढ़े लेकिन उस रेट से नहीं बढ़े तब भी आपको कष्ट होता है ना, तो इमोशनल और सोशल लेवल पर चीजें कुछ अलग तरह से भी काम कर रही होती है। इसलिए वितरण यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद का अधिकतर हिस्सा कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाता हो तो भले ही सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही हो, उस देश के नागरिकों के कल्याण में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए बराबर बराबर लगभग लगभग बांटना, एकदम बराबर तो नहीं बांट सकते, जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कोई तो पूरी तरह से सब कुछ जो संसाधन चाहता है वो मिल जाए और कई लोगों को खाना पीना भी नहीं मिल रहा, इस तरह का चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट भी मिलना चाहिए, मतलब अगर देश प्रगति कर रहा है, जीडीपी बढ़ रही है तो बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिले। ठीक है, जैसे आज से 20 साल पहले जब मैं काफी छोटा था तो मैं देखता था कि मेरे गांव में बहुत सारे लोग बेचारे चप्पल नहीं पहनते थे, तो मैं जाता था कभी तो मुझे बड़ा कष्ट होता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब बहुत मुश्किल होता है कि हम ऐसे लोगों को देखें जिनके पैरों में चप्पल अभी भी हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन पहले बहुत लोग आपको नंगे पैर मिल जाते थे, मतलब मेरे गांव में, तो मैं यूपी से आता हूं, वहां पर ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। तो आमतौर पर सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भौतिक वस्तुओं के कंजम्पशन के टर्म्स में तो इंप्रूव हुआ है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, गैर मौद्रिक विनिमय, है ना। ये देखिए, ये महिला है घर में खाना बना रही है, इनको पैसे तो दिए नहीं जाते हैं, तो इनको बोला था कि आपका जीडीपी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। अरे भाई, अगर वो महिला काम करना बंद कर देगी तो घर के सारे लोग बैठ जाएंगे, है ना। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग बहुत सारी चीजों को कंसिडर ही नहीं करते हैं। वही चीज है, आप जो केक बना रहे हो और कह रहे हो कि केक बड़ा होगा यही जीडीपी है, लेकिन कई लोग हैं जो जंगल में रह रहे हैं, ट्राइब्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों के फल वगैरह खा रहे हैं। अब हम उन फलों को, उन बेरियों को हम काउंट ही नहीं कर रहे अपने जीडीपी में, तो वहां से भी हमें गलत पिक्चर मिलती है। ठीक है, इसलिए हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट जिसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता, और जैसे महिलाएं हैं जो अपने घरों में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती हैं, उसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक तो मिलता नहीं है कि मम्मी को तुम पैसे दे रहे हो जाकर के, ऐसा तो करते नहीं हो। ठीक, लेकिन निश्चित तौर पर यह उस अर्थव्यवस्था में कल्याण के स्तर को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है ना। महिलाएं काम करते हैं, जिस दिन भारत बंद ना हो, सारी महिलाएं अगर किसी जितने भी देश में भारत में काम करने वाली महिलाएं हैं जो घर में काम कर रही हैं, अगर बंद कर दें तो असली में भारत बंद हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग चीजें हैं, भले उनको पैसा नहीं दे, इकोनॉमी में आपको नहीं देखेगा, जीडीपी में डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं देखेगा, वो थोड़ी देर में देखना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सारे लोग फिर कुछ ना कुछ आपको अल्टरनेट लेकर के आना पड़ेगा, अल्टरनेटिव। एनीवेज, मुद्रा के बिना अनौपचारिक क्षेत्रक जो इनफॉर्मल सेक्टर है में जो विनिमय होते हैं उन्हें वस्तु विनिमय कहा जाता है। कोई गांव है दूर सुदूर क्षेत्र में, वहां पर वो लोग पैसे में ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे हैं, वो लोग कुछ एक दूसरे की मदद कर दे रहे हैं कि अच्छा आप हमारे यहाँ ये कर देना, हम आपके यहाँ ये कर देंगे। अब उन्होंने पैसे में अगर लेन देन नहीं किया तब भी उसको जीडीपी का हिस्सा नहीं मानेंगे। और जो विकासशील देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज, वहां तो बात अलग है, विकासशील देशों में बहुत सारे ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज आते हैं जहां पर इस तरह की चीजें चल रही होती हैं। तो जब किसी समाज में काम तो हो रहा है लेकिन उसको हम लोग पैसे में सीधे सीधे तौर पर तब्दील नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जीडीपी आपको बढ़ी हुई नहीं दिखेगी जबकि कल्याण बढ़ रहा है। ठीक, तो ये चीज भी होती है, क्योंकि मुद्रा का यहाँ प्रयोग नहीं होता है इसलिए विनिमय दरों को आर्थिक कार्यकलाप का हिस्सा नहीं माना जाता। आर्थिक कार्यकलाप का हिस्सा ही नहीं है तो जीडीपी बढ़ी नहीं, लेकिन वास्तव में वहां पर जो गतिविधियां वो हो रही हैं और उन गतिविधियों से समाज के कुछ लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट भी हो रहा है, तो ऐसी चीज भी होती है। ठीक, फिर क्या आता है आपका, विकासशील देशों में अनेक सुदूर अल्प विकसित क्षेत्रों में इस प्रकार के कई विनिमय होते हैं
जिन्हें जीडीपी में सम्मिलित ही नहीं किया जाता, तो ये चीज भी है। विकासशील देशों की जो जीडीपी है वो और सप्रेस्ड दिखती है। अच्छा, फिर क्या हुआ आपका, इससे क्या हो जाता है, सकल घरेलू उत्पाद का अल्प मूल्यांकन होता है, अंडर एस्टिमेशन होता है, सप्रेस दिख रही होती है, तो आपको जो जीडीपी है वो सही से दिखेगी नहीं, ये वाला फैक्टर भी है। ठीक, अच्छा फिर क्या आता है, एक और जो कारण है तीसरा, वो होता है एक्सटर्नैलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।